हम जो है सैंपल रूम एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में स्कूलों में कमरे बना रहे हैं, 28 लाख रुपए का एक कमरा बना रहे हैं। और क्योंकि मैंने मेरे जीवन में भी कई ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम किए हैं, तो मुझको ये मालूम है कि एक कमरे की कीमत, हम उनसे बड़ा कमरा बनाएंगे और उसकी कीमत 5 लाख से ज़्यादा आ ही नहीं सकती है। तो हम उसकी शुरुआत एक दो दिन में कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके और उसका रॉ मटेरियल सारा इकट्ठा करके, और हम पूरी कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर अंदर में एक ऐसा कमरा बनाएं जो उनके स्कूलों के कमरे से भी अच्छा है। और उसकी कीमत कितनी आएगी एग्जैक्टली वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, वो हम आपके सामने दोबारा से एक बार मिलेंगे तब आपको बताएंगे। कल एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है कि कल माननीय हमारे दिल्ली के लोकायुक्त महोदय ने एक हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव को ऑर्डर किए हैं इंक्वायरी के, कि वो जांच करें कि कैसे 5 लाख का कमरा 28 लाख का बना और उसकी हमारी अगली तारीख है 20 अक्टूबर की, और उसमें दिल्ली सरकार को भी नोटिस दिया गया है, उनको भी पेश होना पड़ेगा और उनको ये समझाना पड़ेगा कि 5 लाख का कमरा 28 लाख में कैसे बना। जी सर, एक्साइज पॉलिसी के लिए क्या बोलेंगे? उन्होंने रोल बैक किया है और जिस तरह से अभी सिसोदिया बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के जो है थ्रू किया जा रहा है कि बीजेपी जस्ट बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि देखिए हमारा विरोध इसमें कई तरीके से है कि उन्होंने ऐसे सारे रिहायशी इलाकों में इतनी सारी दुकानें खोल दी। पहले दिल्ली में 400 दुकानें होती थी, अब उन्होंने 800 से ज़्यादा बना दी, तो सारी दुकानें डबल कर दी, जैसे कि पूरी दिल्ली की सरकार केवल शराब पर ही चल रही हो। तो उनको इतना इंटरेस्ट इस शराब की पॉलिसी में क्यों है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। उनका पिछले 1.5 साल में रेवेन्यू भी घटा है, 550 करोड़ के लगभग में रेवेन्यू घटा है। उसके बाद भी जो मुझे समझ आता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, जितने भी जोन प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनसे ये लोग हर महीना 20-20 करोड़ रुपया एक जोन वाले से ले रहे हैं, जिनसे उनकी पार्टी बाहर के राज्यों में जाके चुनाव लड़ रही है। ये सारी बातें अभी सामने आएंगी। सर, गुजरात के लिए भी उन्होंने बोला है कि ड्राई स्टेट है, लेकिन स्टिल वहाँ पे इस तरह के जो है कैंप मिला है या इस तरह के जो लोग हैं। देखिए उसके लिए भी वहाँ की राज्य सरकार ने एक वहाँ पे इंक्वायरी घटित करी है, और उसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग शामिल थे कि जिस दिन वहाँ केजरीवाल जाता है उसी दिन ये घटना होती है। और जहाँ पे घटना घटी है वहाँ का जो लोकल काउंसलर है वो भी आम आदमी पार्टी का ऐसा बताया जाता है। तो क्या हुआ, क्या सारी साजिश थी, ये आने वाले समय में पता लगेगा।